का मेरा टॉपिक इस ब्यूटीफुल मिनिएचर हिबिस्कस प्लांट्स के ऊपर है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जब उठी तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको इस मिनिएचर हिबिस्कस प्लांट्स के ऊपर जानकारी दूं। फ्रेंड्स, इसे हम मिनिएचर हिबिस्कस प्लांट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे मिर्ची हिबिस्कस भी कहते हैं और इसे रोज सनराइज भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, और जितने भी हमारे पास हिबिस्कस के प्लांट होते हैं उनके अकॉर्डिंग इस मिनिएचर हिबिस्कस के प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप इसे अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें कितनी फ्लावरिंग है, इसी तरीके से ये फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि इसमें एक बार में कम से कम 50 से 60 बर्ड्स आती हैं इस प्लांट में। देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं इस प्लांट में। फ्रेंड्स, इसकी केयर और प्रोपोगेशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं और इसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। इसकी सॉइल के बारे में, इसके क्लाइमेट के बारे में हम आज इस प्लांट के की हर एक चीज़ के बारे में आपसे मैं बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि ये मिनिएचर हिबिस्कस प्लांट है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लूम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हिबिस्कस का प्लांट एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट में समर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, क्योंकि विंटर में ये प्लांट डोरमेंट में चला जाता है और इसके ये सारे लीव्स गिर जाते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको विंटर में इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर फॉग बहुत कम पड़ता हो, मतलब ठंड से इसे बचाना है। तो आप इसको ऐसे जगह पर रखिए विंटर में कि ये थोड़ा शेड में रहे, जहाँ पर इसे इस पर पाला नहीं पड़े। और समर में इसकी केयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि समर में आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको, क्योंकि आप इसे अगर पॉट में लगा रहे हैं तो आपको इसे फुल डे की सनलाइट नहीं देना है, आपको इसे मॉर्निंग की सनलाइट देना है और इवनिंग में इसे जो आफ्टरनून की जाती हुई सनलाइट होती है वो आप इसे दे सकते हैं, वो इसके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में इसकी जो टिप्स होती हैं वो ब्राउन होने लग जाती हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, जब भी आप अपने प्लांट को वाटरिंग करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो ड्रेनेज होल है वो बहुत ही वेल ड्रेन होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी प्लांट की सॉइल का, पॉट का जो ड्रेनेज होल है वेल ड्रेन नहीं होगा और पानी अगर उसमें रुका रहेगा तो आपकी जो रूट्स होती हैं वो डैमेज होने का, रूट रॉट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप अपने जिस भी प्लांट को आप पॉट में लगा रहे हो तो उसका ड्रेनेज होल आपको चेक करना है कि वो अच्छे से उसकी सॉइल से वाटर ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चिकनी मिट्टी का यूज़ आपको अपने प्लांट की पॉटिंग मिक्स में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस प्लांट की सॉइल बना रहे हैं तो आपको रिवर सैंड, काउडंक और नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है। और अगर कोकोपीट का यूज़ आप करना चाहें तो इस प्लांट में कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीज़ों का आप यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा आपका प्लांट ग्रो करेगा। मैं तो जब भी अपना प्लांट किसी भी पॉट में लगाती हूँ तो मैं उसके नीचे अपने जितनी भी वेस्ट सब्जियाँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उन सबको नीचे उसके रख देती हूँ और उसके बाद मैं ऊपर से सॉइल की लेयर डालती हूँ और उसके बाद मैं अपने किसी भी प्लांट को लगाती हूँ, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों को एक पॉली बैग में, वेजिटेबल्स के जितने भी फ्रूट्स हैं, छिलके हैं, मैं उन्हें एक पॉली बैग में रखती रहती हूँ और जब भी मुझे कोई एक नया प्लांट लगाना होता है तो मैं उसी मिक्स में लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसे अगर हाफ डे की सनलाइट देंगे तो ये आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि समर की सनलाइट तो आपने देखी है कि कितनी ज़्यादा हार्ड होती है। तो इसीलिए आप अगर इसे, वैसे तो ये सनलविंग प्लांट है, बाहर तो आप
आपने देखा ही है कि ये बाहर फुल सनलाइट में लगा होता है, लेकिन वो ये ग्राउंड में लगा होता है। लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो इसे आप हाफ डे की सनलाइट दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से सर्वाइव करेगा और इसे इसी तरीके से ये फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, अब हम इसके फर्टिलाइजर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपने सभी प्लांट्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देती हूँ। इस तरीके से मैं सारे फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के, मैंने आपको बताया, पॉलीबैग में रख लेती हूँ। और अगर हम उसकी पॉटिंग मिक्स में इसको यूज करते हैं तो करते हैं, वरना हम इसका एक लिक्विड बनाकर किसी भी मिक्सी में इसे पीस कर और पानी में, वाटर में डिजोल्व करके अपने सभी प्लांट्स में, इसी की यही नहीं, मैं अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में इसी तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ। और इस प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है, तो आप इस प्लांट में विनेगर का यूज कर सकते हैं। एक वन स्पून आप विनेगर ले लें और उसे 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके इस प्लांट को देंगे, तो इस प्लांट में जो फ्लावरिंग है वो बहुत ज्यादा होगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसी तरीके से फ्लावरिंग बहुत ज्यादा, आज तो इसमें इतनी हुई है, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है। लेकिन मैं उसका वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आज ही बनाना चाहिए और आपको आज ही इसे दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। और अब मैं बात करूंगी इसकी प्रोपोगेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम इसे स्टेम से इजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ी सी मोटी स्टेम ले लीजिए इस तरीके से, और कट करके ऊपर की लीव्स को हटाकर आप अगर इसे किसी सॉइल में लगा देंगे और किसी शेड वाले जगह पर 3 से 4 दिन रखेंगे, और उसके बाद ऐसी जगह रखिए जहां पर थोड़ी थोड़ी सी सनलाइट आए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। क्योंकि ये जो सीजन आ रहा है रेनी सीजन, उसमें आप इसकी कलम को लगा सकते हैं और ये बहुत ईजी ग्रो हो सकता है स्टेम के जरिए से। तो फ्रेंड्स, आप देखिए इतना प्यारा लग रहा है, और ये मेरा प्लांट 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, मैंने इसे समर की धूप से बचाने के लिए इसके नीचे इस तरीके से मल्चिंग कर रखी है कि इसकी जो रूट्स होती हैं उन पर डायरेक्ट सनलाइट का अटैक ना हो, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो ठंडी रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इस प्लांट के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है, और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके।